अब हम पीएम केयर्स फंड और पीएम नेशनल रिलीफ फंड को लेकर छिड़े विवाद का एक छोटा सा विश्लेषण आपके लिए करेंगे। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत में पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई, लेकिन आजकल हमारे ही देश के बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों और बुद्धिजीवियों ने इस फंड पर सवाल उठाए और कहा कि पीएम केयर्स फंड पारदर्शी नहीं है और इसका सारा पैसा पीएम नेशनल रिलीफ फंड यानी पीएमएनआरएफ में ट्रांसफर कर देना चाहिए, जबकि कांग्रेस के विरोधियों का तर्क है कि पीएमएनआरएफ कांग्रेस ने बनाया था और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष इस जो ट्रस्ट बना था उस ट्रस्ट का सदस्य हुआ करता था, इसलिए कांग्रेस पीएम नेशनल रिलीफ फंड को पीएम केयर्स फंड से बेहतर मानती है। आज जब हमने तथ्यों की जांच की तो हमें इन दोनों फंड से जुड़ी कुछ अहम महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। ये तथ्य हम आपके सामने आज रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सामने ये तस्वीर साफ हो जाए, लेकिन उससे पहले आप दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर वर्ष 1947-48 के उस दौर की है जब देश के बंटवारे के बाद लाखों की संख्या में लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। इन्हीं लोगों की मदद के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की थी। यह 1948 की बात है। 74 वर्षों के बाद देश ने एक बार फिर पलायन की कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखी, लेकिन यह पलायन बंटवारे की वजह से नहीं बल्कि एक वायरस की वजह से हो रहा था। लॉकडाउन के बाद देश के तमाम शहरों से लाखों की संख्या में मजदूर पलायन कर रहे थे। पलायन की इन्हीं तस्वीरों के बीच 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पीएम केयर्स फंड का गठन किया गया। पीएम केयर्स फंड यानी प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड के गठन के पीछे एक बड़ा उद्देश्य पलायन को मजबूर लोगों की मदद करना था। यानी एक फंड धर्म के नाम पर सताए गए लोगों को राहत देने के लिए बनाया गया था, क्योंकि 1947-48 में जो पलायन हुआ था यह धर्म के आधार पर हुआ था, जबकि दूसरा फंड जो अब बनाया है यह वायरस से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए बनाया गया है। कुल मिलाकर 74 वर्ष पहले बनाए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और 2020 में बनाए गए पीएम केयर्स फंड का मकसद मोटे तौर पर एक जैसा ही था, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने कभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पर सवाल नहीं उठाया वो कांग्रेस आज पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठा रही है। आखिर क्यों? हमने ये जानने की कोशिश की। कुछ दिन पहले कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि पीएम केयर्स फंड में आने वाली रकम को पीएम नेशनल रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि इसकी पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन 1948 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना की थी, तब कांग्रेस की डिक्शनरी में पारदर्शिता जैसे शब्द थे ही नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे जुड़ा 73 साल पुराना एक सबूत इस समय मेरे हाथ में है। यह सबूत यह भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक प्रेस रिलीज है जो 24 जनवरी 1948 को जारी की गई थी। 24 जनवरी 1948 आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है। इस प्रेस रिलीज में जवाहरलाल नेहरू ने एक केंद्रीय फंड की जरूरत बताते हुए लिखा था कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग फंड्स में दान दिया है, मुझे लगता है कि इसके लिए एक केंद्रीय फंड बनाना अच्छा रहेगा। इस फंड का इस्तेमाल किसी भी तरह की विपदा से निपटने के लिए किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसका इस्तेमाल पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को बसाने के लिए किया जाएगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। पंडित नेहरू ने इस राहत कोष की स्थापना संविधान की स्थापना से भी पहले कर दी थी। जाहिर है इसका मकसद संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की मदद करना था, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब आपको यह भी देखना चाहिए कि इसके गठन के समय प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का सदस्य किन किन लोगों को बनाया गया। उनकी लिस्ट मेरे हाथ में है, अगर आप चाहें तो मैं आपको यहां से पढ़कर बता सकता हूं। उन्होंने लिखा है इसमें, आई एम देयरफॉर स्टार्टिंग अ फंड कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड एंड आई इनवाइट डोनेशंस टू दिस फंड। टू बिगिन विद दिस फंड विल बी मैनेज्ड बाय अ कमिटी। तो एक कमिटी बनाई गई जो इस फंड को मैनेज करेगी। उस कमिटी के सदस्य कौन है सुन लीजिए। पहला सदस्य प्राइम मिनिस्टर, देश का प्रधानमंत्री। दूसरा सदस्य प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष दूसरा सदस्य होगा। तीसरा सदस्य द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। चौथा सदस्य फाइनेंस मिनिस्टर, देश का वित्त मंत्री।
उसके बाद अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टाटा ट्रस्टी, यानी उस वक्त टाटा की तरफ से एक ट्रस्टी को, एक रिप्रेजेंटेटिव को इसमें रखा जाना था टाटा सन्स की तरफ से। फिर है अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स टू बी चोजन बाय द फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, एक सदस्य इनका रहेगा, यह इसमें लिखा हुआ है। यानी 74 वर्ष पहले देश के लिए बनाए गए सबसे जरूरी राहत कोष में प्रधानमंत्री के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को भी रखा गया था। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आज के दौर में प्रधानमंत्री अपने साथ बीजेपी के अध्यक्ष को भी इस फंड का सदस्य बना लेते, इस कमेटी का सदस्य बना लेते? अगर प्रधानमंत्री ने बीजेपी के अध्यक्ष को इसका फंड का सदस्य बना लिया होता तो कितना बड़ा विवाद होता, ये सोचिए। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को भी इसका हिस्सा बना लिया, लेकिन तब कांग्रेस को इसमें पारदर्शिता की कोई कमी दिखाई नहीं दी, कोई आपत्ति नहीं हुई। आपको बता दें कि 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। इसके बाद वर्ष 1985 तक कांग्रेस के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का सदस्य ऐसे ही बनाया जाता रहा, यह सब कुछ ऐसे ही चलता रहा 1985 तक। लेकिन 1985 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उनके कार्यकाल में नियमों में बदलाव किया गया और सारे अधिकार प्रधानमंत्री कार्यालय को ट्रांसफर कर दिए गए। यानी 1985 के बाद से यह राहत कोष सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की रेखरेख में काम करने लगा, देखरेख में। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने सिर्फ 1984 से लेकर 1989 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे, बल्कि वो 1985 से लेकर 91 तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी वही थे। यानी जिस समय उन्होंने ये कदम उठाया तब कांग्रेस अध्यक्ष भी वही थे। हालांकि यहां हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष देश के काफी काम भी आया है, खासतौर पर बाढ़, तूफान और भूकंप जैसे विपदाओं के बाद इस फंड से हजारों लोगों को मदद पहुंची है। इसके अलावा गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी इस फंड से काफी फायदा हुआ है। लेकिन जब राजीव गांधी ने यह बदलाव किया होगा और कांग्रेस अध्यक्ष को इससे फंड से हटाया होगा, तब शायद उनकी मंशा ये रही होगी कि इस देश में तब यह सोचा जाता था कि प्रधानमंत्री हमेशा कांग्रेस पार्टी का ही रहेगा, प्रधानमंत्री हमेशा गांधी परिवार से ही आता रहेगा। तब राजीव गांधी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वो आगे चलकर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे या उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो अगली बार आगे चलकर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और किसी और पार्टी की सरकार देश में आ सकती है, इसलिए उन्होंने ये फैसला तब लिया होगा। लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश के लिए जरूरी एक फंड में कांग्रेस अध्यक्ष को जगह देकर खुद कांग्रेस ने इसकी पारदर्शिता से समझौता किया। अब आप सोचिए, अगर आज प्रधानमंत्री राहत कोष या फिर पीएम केयर्स फंड का सदस्य बीजेपी के अध्यक्ष को बना दिया जाए तो हमारे देश के तमाम बुद्धिजीवी, डिजाइनर, पत्रकार और जो विपक्ष के नेता हैं उनसे यह बर्दाश्त नहीं होगा। जो लोग पीएम केयर्स फंड और इसके गठन की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें अब यह समझना चाहिए कि कैसे यह फंड ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा लोकतांत्रिक है। पीएम केयर्स फंड में पिछले करीब 2 हफ्तों में हजारों करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और देश के नागरिक, उद्योगपति, सेलिब्रिटीज बहुत ही जज्बे के साथ इसमें पैसा जमा करा रहे हैं। जबकि पीएम नेशनल रिलीफ फंड यानी पीएम एनआरएफ में इस समय करीब 3,800 करोड़ रुपए का बैलेंस है। इससे कहीं ज्यादा पैसा कुछ ही हफ्तों में पीएम केयर्स फंड में आ चुका है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में पहले प्रधानमंत्री के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 1985 में इसकी सारी शक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय को ट्रांसफर कर दी गई, जो अभी हमने आपको बताया। जबकि पीएम केयर्स फंड में प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री को भी सदस्य बनाया गया है और इसमें विज्ञान, स्वास्थ्य, कानून और समाज के दूसरे हिस्सों से आने वाले लोगों को भी जगह दी जाएगी। पीएम एनआरएफ में सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं, जबकि पीएम केयर्स फंड लोकतांत्रिक ढांचे पर आधारित है। यानी पीएम केयर्स फंड के पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, इसका आखिरी फैसला सिर्फ प्रधानमंत्री के हाथ में ही नहीं बल्कि इससे इसमें सभी जो ट्रस्ट में जो लोग हैं उनकी सहमति से होगा। यानी प्रधानमंत्री ने इसका गठन करते हुए खुद अपनी शक्तियों को दूसरों के साथ बांटा है। जहां तक पारदर्शिता की बात है तो आपको बता दें कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड का ऑडिट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी द्वारा नहीं किया जाता बल्कि इसका ऑडिट किसी तीसरी संस्था द्वारा किया जाता है। हालांकि पीएम केयर्स फंड के ऑडिट को लेकर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इसका ऑडिट भी किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा ही कराया जाएगा। पीएम केयर्स फंड और पीएम नेशनल रिलीफ फंड में एक बड़ा अंतर यह है कि पीएम एनआरएफ में आप 100 रुपए से कम की राशि दान नहीं कर सकते, जबकि पीएम केयर्स फंड जो कि इस वायरस के लिए बना,
उसमें ऐसी बंदिश नहीं है, इसमें आप छोटी से छोटी रकम भी डोनेट कर सकते हैं, यानी देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी चाहे तो इसमें डोनेशन दे सकता है।